दोस्तों पूरा एक घंटा के बाद वो आदमी कपड़ा धुल करके अभी गए हैं यार। ये खाने का तरीका है ये हम ज्यादा समझा बोला वीडियो बनाया मैं खिला रहा हूँ दोस्तों। ये लोग देखो अभी पैसे ले रहे हैं। नीचे देखो दोस्तों सारे में इसके स्प्रे मार दिए फट गया। मैं अपना कपड़ा उठा करके लाया हूँ अभी ला करके इधर ही रखा हूँ। अपना जूता पॉलिश किया था जिसमें तो चमक आया नहीं। ये दोनों का मुंडी लड़ा दो इसे। मैं ये ले चुका हूँ सरफ और साबुन। राधे राधे आप सभी को। आप लोगों का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों हर रोज की तरह मैं आज भी नहा धो कर रेडी हो गया हूँ पूजा पाठ करके नाश्ता करने के लिए। और मैं वीडियो बना रहा हूँ। देखिए दोनों कैसे देख रहे खड़े होकर। और बहुत दिन बाद मैं ये वाला टी शर्ट पहना हूँ। बहुत दिन बाद मुझे लगता है लास्ट टाइम मैं गर्मी में ही पहना हूँ। अभी दोबारा गर्मी आने वाला है तब पहन रहा हूँ। और ये मेरा रहा नाश्ता दोस्तों, पराठा और चटनी। और बाकी सारे लोग तो खास भी अगर ड्यूटी चले गए। मैं तो अभी उठा था, पानी खत्म हो गया था नल में। अभी फिलहाल नाश्ता उस्ता कर लें, पूजा पाठ तो कर लिए हैं, नाश्ता उस्ता तो कर लें, उसके बाद फिर निकलते हैं खेलने के लिए। सब बोल रहा है कि क्रिकेट खेलने जाएंगे तो देखते हैं क्रिकेट की मैं मान जाए तो क्रिकेट खेल लूँ, नहीं तो फिर पत्ता खेलूंगा क्योंकि मुझे तो 4 बजे अब ड्यूटी जाना है। तो चलिए फिलहाल मैं नाश्ता कर लूँ, नाश्ता करने के बाद आप लोगों से मिलता हूँ दोस्तों। मैं तो नाश्ता वास्ता कर लिया हूँ, नाश्ता करके इधर आकर के धूप में बैठा हूँ। धूप बहुत तेज निकला हुआ है लेकिन हवा चल रहा है तो थोड़ा सा मैनेज कर पा रहा है। लेकिन कुछ देर बाद तो धूप तेज हो ही जाएगा क्योंकि अभी मॉर्निंग का टाइम है इसीलिए थोड़ा धूप का असर नहीं पड़ रहा, हवा चल रहा है तो। लेकिन जैसे ही दोपहर होगा धूप का असर दिखने लगेगा। और आज तो मुझे कपड़ा भी धुलना है क्योंकि मैं आया हूँ तो कपड़ा धुल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आज धुलूंगा। तो फिलहाल अभी चलते हैं, देखते हैं कि कौन कौन क्या कर रहा है। ऊपर में बोला था कि पत्ता खेलेंगे नहीं तो चलेंगे क्रिकेट खेलने के लिए, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि लोग पत्ता ही खेलने लगे हैं। तो चलिए ऊपर चलते हैं, उसके बाद फिर दोपहर में लंच टाइम में चलेंगे, जा करके सारा पूरा फ्लै कर आएंगे और कपड़ा उपड़ा धोलेंगे क्योंकि मुझे कपड़ा मेरे कपड़ा बहुत सारा गंदा हो गया है। तो चलिए फिलहाल चलते हैं छप्पे, देखते हैं कौन कौन क्या क्या कर रहा है। ऊपर जाना पड़ेगा। नगरी हो अयोध्या सी हो राम सा राजा कौशल्या हो। इधर में है गाइस देखिए। अरे तो सो रहे, खेल नहीं रहेगा तो हमारे इंतजार कर रहे हो। खेल लेंगे, हमारा इंतजार कर रहा था गाइस, हमारा इंतजार किया जा रहा था। अबे तो चलिए दोस्तों मिलते हैं, अब दुकान जाते हैं। तो मैं ये ले चुका हूँ सरफ और साबुन जो कि मैं बोला था कि चलता हूँ दुकान में भी लूँगा। अभी लेकर के जा रहा हूँ मैं। और कृष्णा आया था, ये कृष्णा आपने लिए लिया है ये चना, घोड़े खाने वाली चना, और शायद वो लिया है क्या बादाम लिया है। तो चलते हैं अभी कपड़ा उपड़ा धुल धाल करके और डाल देते हैं सूखने के लिए और कुछ देर आराम करेंगे और 4 बजे हमें ड्यूटी जाना। तो चलिए फिलहाल पहुंचते हैं और कपड़ा धुलते हैं। मैं तो अभी आया था छत पे कपड़ा धुलने के लिए, लेकिन एक भैया हैं जो कपड़ा धुल रहे हैं तो मैं सोचा कि वो धुल लें, उसके बाद फिर मैं अपना कपड़ा धुल। ये देखिए वो धुलने में लगे हैं। मैं सोचा कि तब तक मैं बैठा रहूँगा, उससे अच्छा है अपना ये जूता ही पॉलिश कर लूँ क्योंकि ये भी यहाँ से जाने के बाद मैं पॉलिश नहीं कर पाया, टाइम ही नहीं मिला था। फिलहाल जूता पॉलिश कर लूँ, उसके बाद कपड़े धुलता हूँ दोस्तों। पॉलिश करके चमक आ करके आप लोगों को दिखाता हूँ क्योंकि धूप है आज तो सूख भी जाएगा। दोस्तों पूरा एक घंटा के बाद वो आदमी कपड़ा धुल करके अभी गए हैं यार। मैं सोच रहा था अरे पता नहीं कोई लड़का था यार, वो कम्बल धुल रहा, रजाई गद्दा धुल रहा। कम्बल कहाँ पसार दिया है सच्ची में वो कम्बल? हाँ वो है ना कम्बल, वो देखिए उधर कम्बल सूख रहा, वो कम्बल धुल रहा, कपड़ा धुल रहा, क्या उसमें धुल रहा, उससे बरस भी मार रहा। हमें लगता है जंग वंग लग गया है। पूरा एक घंटा धुलने के बाद वो अभी गया है और मैं अपना कपड़ा भी डाला हूँ धुलने के लिए। देखिए मेरा भी बहुत सारा कपड़ा है, इतना कपड़ा डाल दिया हूँ कि घूम नहीं रहा, उसमें थोड़ा सा और लगता है पानी डालना पड़ेगा, पानी और डाल देते हैं ना। और इधर जूता ही पॉलिश करके रख दिया हूँ दोस्तों इधर सूखने के लिए, तब तक जूता ही पॉलिश हो जाएगा। अभी एक बार पानी डाल करके उसको राउंड मरवा देता हूँ 15 मिनट का टाइमर लगा के। है नहीं भाई जूता पॉलिश किया, पानी से धुलूंगा खराब हो जाएगा वो सेफ्टी शू। वो पॉलिश करते हैं ना तो सूखेगा जब तक नहीं, तब तक चमक नहीं आएगा। और क्या, अभी देखो उसको मार दूंगा ना तो चमक आ जाएगा एकदम पूरा। तो अभी इसमें पानी डाल देते हैं 15 मिनट का और टाइमर बढ़ा देते हैं। अभी ये 9 मिनट में चलाया है, देखिए इसको 15 मिनट में ऐसे कर देते हैं, पानी डाल देते हैं। तो चलिए कपड़ा धुलने के बाद दोस्तों आप लोगों से मिलता हूँ। पूरा 2-4 घंटा बिताने के बाद, 2-4 घंटा मेहनत करने के बाद
मैं अपना कपड़ा धुल लिया हूँ दोस्तों, और ये देखिए अपना कपड़ा धुल करके इधर डाल दिया हूँ। बहुत सारा कपड़ा था मेरे पास, ये स्वेटर वेटर बचा हुआ था ये धुलने के लिए, ये धुलने के लिए, ये सब धुलने के लिए सब बचा हुआ था। सारा धुल धाल करके डाल दिया हूँ, अभी 4 बजे तक सारा सूख जाएगा, सब उठा करके रख देंगे। फिलहाल हम अपना जूता पॉलिश किए, साला ये भी नहीं चमक रहा है। बहुत मेहनत कर करके रगड़ रहे हैं लेकिन ये जूता चमक नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। अब इसको रख देता हूँ, चमके चाहे ना चमके वैसे ही पहन के चला जाऊँगा और क्या। और ये भी 1-2 घंटे में सूख ही जाएगा क्योंकि लगभग तो सूख ही गया ये। 50% सूख गया है, 50% सूखने के लिए बचा है, 50% अभी धूप में सूख जाएगा क्योंकि अभी 12 ही बजा है। तो चलते हैं खाना वाना खा करके आराम करते हैं थोड़ा, और उसके बाद 3 बजे 3:30 बजे आएंगे, सारा उठा करके डाल देंगे। रूम में सूखा रहेगा तो ठीक है, नहीं भी सूखा रहेगा तो ठीक है, क्योंकि रात में फिर 12 बजे आएंगे तो फिर भीग जाएगा शीत उससे, इसीलिए उठा करके रख देंगे। बारिश मौसम वौसम कोई नहीं जानता, इतना मेहनत पानी में मिल जाएगा। तो चलिए फिलहाल सारा समेट करके ले चले और खाना वाना खाए। और फाइनली दोस्तों मैं तैयार हो चुका हूँ ड्यूटी जाने के लिए, फटाफट गया मैं, अपना कपड़ा उठा करके लाया हूँ, अभी ला करके इधर ही रखा हूँ, ये रात में आकर के समेट के रखूँगा। ये अपना जूता पॉलिश किया था जिसमें तो चमक आया नहीं, ये दोनों का मुंडी लड़ा दो इसे, चमक आया नहीं तो वैसे ही पहन लिए, चमक आ जाएगा चलते चलते तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। उसके लिए बढ़िया ब्रश चाहिए, जो कि मेरे पास बढ़िया ब्रश है नहीं, लाना पड़ेगा बढ़िया ब्रश। और मैं सो गया था, अभी अलार्म बजा, अलार्म सुन ही नहीं रहे थे क्योंकि मैं गाना बजा करके लैपटॉप में सुन करके सो रहा था। अभी तैयार हो गया हूँ, अभी कितना टाइम हुआ है, 3:30 बजा है, 3:45, अभी चलते निकलते। हे कृष्णा, हाँ हमें भी स्प्रे मार दे भाई। कृष्णा चुपके चुपके उधर साइड में मार रहा स्प्रे। ये लो दोस्तों, ये लो देखो, अभी पैसे ले रहे हैं। नीचे इधर देखो दोस्तों, सारे में इसके स्प्रे मार दिए। वही कह यार, धीरे धीरे कोने में जाके मार रहा स्प्रे, बाहर निकल के नहीं मार रहा वो तो। साला मुंह में मार दिया, वो तो धमक आया, हम बोले यार स्प्रे लगता है महक रहा है। पानी है तू पानी सारा पी गया और बोल रहा है पानी है, प्यास लगा है मुझे यार, और वो फ्रीजर है उसमें पूरा पानी ठंडा हुआ पड़ा है, ये सारा पानी पी गया, बोल रहा है बैला की पानी है रे, कहाँ से पानी तुम्हें, पानी भर के ला के रखा कर बोतल में, सो कर उठे प्यास लगा है पानी ही नहीं है। मैं गया कि फ्रीजर में से मैं पी लूंगा, अब फ्रीजर कोई चालू कर दिया है, वो पानी एकदम बर्फ हो गया अभी ठंडा एकदम, गधा आदमी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, ड्यूटी है तो हमारा टाइम हो गया, देखिए 3:52 हो गया, 4 मिनट है, घड़ी फास्ट है, मतलब 52:48 हो गया है, 3:48 हो गया दोस्तों। तो चलते हैं बाहर, खड़े होते हैं, हमारी गाड़ी आती है, फिर हम निकलते हैं। कंसंट्रेट, फोकस करिए इस पे, पकौड़े पे, वीडियो बाद पकौड़े पे फोकस करिए, वीडियो तो बाद में भी बन जाएगी भाई, तो पकौड़े पे फोकस है ना, मैं बोल रहा हूँ वीडियो बना रहा हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि खा नहीं रहा हूँ, नहीं पकौड़े पे फोकस करना जरूरी है भाई, ये पकौड़े पे फोकस करना जरूरी है, नहीं तो ब्लर में आ जाएगा तो कुछ दिक्कत हो जाएगी। मतलब दोनों हाथ से खा रहा तू इसीलिए आशीष, हाँ ऐसे तोड़ के मतलब वीडियो बना, तरीका है ये खाने का, तरीका है ये हम ज्यादा लम्बा बोला वीडियो बना मैं खिला रहा हूँ। मैं बोला चलो भाई, भाई का शौक हुआ खिलाने का, कुत्ता आदमी ऐसे ऐसे छुछुनर बहुत कम मिलेंगे आपको, कम मिलेंगे। और 12 बज चुके हैं और मैं निकल चुका हूँ अपना छुट्टी करके बाहर में, और हमारी गाड़ी आने में भी बहुत बहुत नहीं लेट है, मतलब अभी तक गाड़ी नहीं आई है, 12:10 तक आती है गाड़ी ऐसे अमूमन। तो सोच रहे हैं कि खड़े होकर के क्या करें, तो थोड़ा चौकसी मार लें, तो चौकसी मार रहे हैं, और हमारे पास एक मोहम्मद रफ़ी है जो गाना सुना रहा है। आशीष इतना तेज गाना सुन रहा है कान में डाल के कि उसको सुनाई नहीं दे रहा तुमको। अरे क्या, एक तो निकाल ले भाई, कर रात में ना इसे मत बनाया करिए। की क्यों, अरे कोई ले के चला जाएगा, सही बता रहा है, उड़ के थोड़ी ना आ जाएगा भाई उधर से, ऐसे किए पीछे से कोई आ रहा है तो कैसे, गाड़ी से आएगा ना, मोटरसाइकिल से या फोर व्हीलर से, तो जब आएगा तो मैं इधर भाग जाऊंगा ना, फोन लेके भाग जाएगा। अरे भाई तो जब आएगा तो हमको तो पता चलेगा कि सामने से कोई आ रहा है गाड़ी लेकर के, ऐसे आ रहा, अरे तो इधर सुनाई नहीं देगा, तुम ब्लूटूथ कान में लगाए हो दोनों, मैं नहीं लगाया हूँ, ठीक मैं सुन रहा हूँ इधर का आवाज, आवागमन सब कुछ, सारा साउंड सुनाई दे रहा है, ऐसे ही हम आपके आवाज का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, नहीं हम कर ऐसे ही हम आपका रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, अभी हम बुला रहे थे चिल्ला रहे थे सुनाई दिया था तुमको, नहीं सुनाई दिया था, अभी वीडियो दिखाता हूं उसको, बोला ना कब। तो चलिए दोस्तों हमारी गाड़ी आ गई है, तो चलिए गाड़ी में बैठते हैं और आज का ब्लॉग अब इधर ही समाप्त करते हैं, और मिलते हैं कल वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।